अगले कॉलर हैं अमित, देहरादून से हमारे साथ। स्वागत है अमित आपका। जी धन्यवाद। जी अमित, गुड सवाल आफ्टरनून। करिए। हाँ जी, मेरा सवाल है, एक्चुअली मेरे हेयरफॉल काफी हो रहा है, मतलब जैसे है ना कंटिन्यूअस, तो ये जैसे मतलब मेरी जो ये हुई 23 साल के आसपास से तो शुरू हो गया था, अभी 29 साल एज है, तो ये मतलब कंटिन्यूअस हेयर फॉल है जो रूट से काफी वो वीक हो गई है, तो उसके लिए मैंने पहले एलोपैथी के भी काफी ट्रीटमेंट कराए हैं। तो एक्चुअली होता है क्या, जैसे मेरे हेयर में कहीं पे मतलब ऐसे जो स्कैल्प है उसमें कहाँ पर कहीं पे खुजली होती है, तो उस साइड में जैसे खुजली होती है तो वहाँ पे मतलब हेयर लॉस हो जाता है, तो उस अच्छा, तरीके से ठीक थोड़ा मतलब जो हेयर लाइन है वो रिसीडिंग हो रही है, तो जब जिस टाइप पे जैसे मैं एलोपैथी का इलाज कराता हूँ तो उस टाइम पे वो एक दो दवाई होती है जैसे मिनोक्सिल होती है और एक दो खाने वाने की दवाई देते होंगे, तो उस टाइम पे तो खुजली थोड़ी ठीक हो जाती है और थोड़ा मतलब हेयर मतलब थोड़ा ठीक हो जाता है, पर ठीक फिर है जैसे ठीक है सुबह बेटा, हम दोपहर। समझ गए। ठीक हाँ देखिए, बच्चियां हों या बच्चे हों, आप जैसे हमारे सामने तो बच्चे ही हैं खैर, और अगर आपको वाकई बालों की बहुत फिक्र है तो ख्वातीन को यानी महिलाओं को इससे ज़्यादा होती है, और अगर बाल ऐसे चाहिए कि जो संभाले ना जाएं खासतौर पर, तो देखिए एक नारियल पानी पिया करें रोज़, उसमें आधा ग्राम गौंद मोरिंगा डाल लिया करें, एक ही बार पीना है। अगर आपको चाहिए कि बाल खूब उगे, ग्रोथ हो, और जो फीमेल्स लंबाई चाहते हैं बालों की, स्याही चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, घना बाल चाहते हैं, तो एक अच्छा नुस्खा हो सकता है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं मोहसिन, महाराष्ट्र से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ हेलो, जी नमस्ते, जी नमस्कार। आदाब। हकीम साहब से सवाल पूछना है। हकीम जी, साहब, मेरी जो फोर हेड हो सर का जो सामने का हिस्सा होता है वो फोर हेड के पीछे वाले साइड में से खिंचा देती है और वो दर्द सा होता है उसमें। समझ गए जी, आप। सर के एक हिस्से में इनको दर्द होता है। अच्छा, कितना दिन हो गया, कितनी उम्र है और क्या इलाज लिया? 30 उम्र है, 10 साल से हो रहा है। अच्छा, रोज होता है, रहता ही है या कभी कभी होता है, खत्म हो जाता है? ठीक, रहता ही है, रहता ही है। आंवला लीजिए 500 ग्राम, और धनिया 100 ग्राम, और इसमें मिलाइए आप कलौंजी का नमक 100 ग्राम, और इसका 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम पानी के साथ लिया करें, ये तो नस्खा हो गया। और ये आप एक्सरसाइज करा करें रोज़ाना, 2 मिनट ये एक्सरसाइज आपको करनी है, घड़ी देख के करनी है। अक्सर हम 2-4 बार करते हैं, सोचते हैं 2 मिनट हो गए, घड़ी देख के 2 मिनट करना ये एक्सरसाइज, ऐसे ऐसे ये भी 2 मिनट रोज़ाना घड़ी देख के करें, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। तो बिल्कुल आपको फ़ायदा होना मुमकिन ज़रूर है अगर आप ये नुस्खे अपनाते हैं तो। देखिए, कुछ दिनों में ही आपको बहुत राहत मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ी देर में जाके राहत मिलती है, लेकिन फ़ायदा होता ही होता है दर्द को, तभी तो बार बार कहा जाता है। ट्रीटमेंट ऐसा, नुस्खे ऐसे, यूनानी दवा ऐसी जो आप लोगों के लिए सब्र का मीठा फल है, क्योंकि आप लोगों को इंतज़ार करना होता है और आप लोगों को थोड़ा वक्त देना होता है। ये नहीं कि हड़बड़ी में आपने चाहा कि कल ही फ़ायदा हो जाए या तुरंत ही फ़ायदा हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको थोड़ा सा इंतज़ार तो करना ही होगा। बाकी लाइव कार्यक्रम चल रहा है, हकीम साहब से बात करना चाहते हैं लाइव, तो बस आप लोगों को इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ बोलिए, तेज आवाज में बात कीजिए, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं मेरा नाम फिरोज कुमार है, फिरोज जी? कहाँ से बात कर रहे हैं? औरंगाबाद। सवाल सवाल है, सेहत बनाना है, क्या बनाना है? सेहत बनानी सेहत। है। अच्छा, किस उम्र का के हैं आप, किसको बनाना है? अच्छा, मेरे को ये बनाना है, 18 वर्ष के हैं। सेहत नहीं बनती। यस, ठीक, 18 साल के हैं। हाँ देखिए, सेहत बनाने के लिए घरेलू नुस्खा भी बता देता हूँ आपको और दवा भी बता देता हूँ। आप इतने मायूसी से बात कर रहे हैं,
मायूस मत होइए। एक तो अगर मायूसी भी छोड़ दे तो सेहत अपने आप बन जाएगी। एक ये भी है, आदमी को अंदाज़ा हो कि मेरी सेहत बन जाएगी। कुछ गलत करते हैं ऐसा जो बता नहीं सकते, तो उसे छोड़ दें और खुश रहा करें। और दवा के तौर पर अखरोट प्राश माजून आप ले सकते हैं सुबह शाम एक एक चम्मच पानी से। और घरेलू नुस्खे में सौंठ 200 ग्राम और सौंफ 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, गौंद मोरिंगा 200 ग्राम, इसका पाउडर बनाएं और एक चम्मच खा लिया करें दिन में एक बार। बहुत ही ज़रूरत हो तो दो बार खा सकते हैं। ये अगर खाएं तो आप इसे दूध से भी ले सकते हैं, पानी से भी ले सकते हैं। लेकिन ये आपके सिस्टम को ठीक करेगा। कभी आप सोचेंगे इसको खाकर फूलने लगेंगे, ये कोई स्टेरॉइड नहीं है, ये आपके निज़ाम जो सेहत का है उसको ठीक करेगा। लीवर को मजबूर करेगा ठीक से काम करे। लीवर ठीक से काम करेगा तो भूख ठीक से लगेगी, हजम ठीक से होगा। हजम ठीक हो गया तो आपको जो भी खाएंगे आपके जिस्म को लगेगा और आपको फायदा मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर हैं यूपी से, रईस हमारे साथ, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, हमारी वाइफ हैं जी, वो काफी दिन से बीमार है डॉक्टर साहब। और क्या हो रहा है? काफी बीमारी है उनको, दुख और उनको जो है गैस काफी बनती है, पेट में दर्द बन जाता है। कब की दिक्कत है उन्हें? कब्ज, उनको करीब 4-5 साल से। ठीक है जी। और रिया नहीं खुलती है, हाथ पैर में गांठ, गांठों में दर्द होती है, सूजन घबराहट होती है। ठीक है, एज कितनी है उनकी? एज करीब अक्सर 28 साल है। और कुछ उनको लगता है कि गले में कुछ अच्छा जैसा है, जैसे कुछ खाती पीती है तो अच्छा रहता है, हमेशा ऐसा लगता है उनको, महसूस होता है। ठीक है, मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता देता हूँ कि अगर वो इस्तेमाल करें तो पहले दिन से ही ये सब परेशानी कम होने लगेंगी, तो उनको यकीन भी आ जाएगा। अगर आदमी 2-4 खुराक खाए उसको यकीन आने लगे कि मेरे तो आसानी हो रही है, तो फिर उसको दवा खाने में बहुत आसानी है, चाहे उसको कितने ही दिन दवा खिला लो। तो देखिए, ये जो मेथी है 200 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, और इसमें मिलाइए नमक कलौंजी 150 ग्राम। इसका पाउडर सब घर में ही बनाइए, पिसा पिसा है कुछ मत लाइए, ज़रा आपकी अहलिया थोड़ी मेहनत कर लें, घर में इसका पाउडर बनाना है। और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम पानी के साथ देना शुरू करें, नाश्ते से पहले और रात को खाने से पहले। आप देखेंगे कि पहले दिन से वो खुश खुश नज़र आएंगी, गैस खूब पास होगी और ये पेट का सिस्टम ठीक करती है और फुजलात को आगे बढ़ाती है, और जितनी चिकनाई आंतों को होनी चाहिए इतनी चिकनाई वापस लाती है, और बहुत जल्दी इनको फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं इटावा से, लीला जैन हमारे साथ, स्वागत है लीला जी आपका। हाँ जी बोलिए। मतलब इनकी जो उम्र है 58 साल है और पैरों में घुटनों में बहुत परेशानी है। ठीक है, कितना दिन हो गया? हो गया करीब 1 साल। ठीक है, बहुत जल्दी फोन कर लिया, वरना लोग तो 10-10 साल बात करते हैं। आप देखिए, एक घरेलू नुस्खा है जो आप कोशिश करके वो हासिल करें, गौंद स्याह, एक काला गौंद का नाम है जो मुश्किल से मिलता है, नकली भी मिलता है, कड़वा भी बहुत होता है, असली हासिल करें, आधा आधा ग्राम देना शुरू करें उन्हें, और ये 100-200 ग्राम ख़त्म होते होते आपके मरीज़ का ठीक होना मुमकिन है। बिल्कुल। तो जैसे कि हकीम साहब, यहाँ पे कई बार जैसे दर्शकों को बताया जाता है नुस्खों में या रॉ मटेरियल में जैतून के सिरके के बारे में, कुछ लोग सैलड के बड़े शौकीन होते हैं, तो क्या वो अपने सलाद में भी जैतून का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं? दरअसल पहले ये जो सिरके थे ये सलाद या चटनी में इस्तेमाल होते थे, और वैसे कोई नहीं खाता था जी। कोई रोगी नहीं खाता था, क्योंकि वो रोजाना यूज ही होता, हर घर में सिरका होता था जी। अब सिरके को लोग जानना ही बंद हो गए, तो फिर जब इस पर रिसर्च हुई कि भाई पहले लोग सिरका क्यों खाते थे, और जब इसके फायदे का पता चला, तो फिर ये दवाओं में आ गया जी। तो सिरके के फायदे, ये एक चम्मच सिरके में एक आदमी जितना सब्जी लेता है उस सब्जी सालन की ताकत है एक चम्मच सिरके जी, में जी। आप समझ लीजिए,
और फिर सिरके भी हर तरह के होते हैं, बिल्कुल सब सिरकों में जैतून का सिरका सबसे बेहतर माना गया है। जैतून का सिरका सबसे बेहतर है और उसके बाद नंबर आता है एलोवेरा का सिरका, ये भी बहुत बेहतर है। बाकी इससे सब सिरके सब इससे नीचे ही नीचे जाते रहते हैं। कोई सिरका तो 50 रुपये में भी मिल जाता है, 100 रुपये में मिल जाता है, 200 रुपये में मिल जाता है, लेकिन ये सिरके महंगे भी हैं और फ़ायदेमंद भी बहुत है। गाज़ियाबाद से अम्बा हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार आदाब। अच्छा हकीम साहब, मैं परसों बात करनी थी तो वो लास्ट टाइम था तो टाइम जो है जल्दी खत्म हो गया। मैं फीडबैक भी देना चाहता था, दो पॉइंट को क्लैरिफाई करना चाहता था, वो हो नहीं पाए थे। जी जी तो उसमें डॉक्टर साहब, पहले तो मैंने बहुत जाति की कि जो नुस्खों का मुझे फायदा हुआ वो मैं नहीं बता पाया, और बल्कि मैंने शुरुआत कर दी जिसमें मुझे नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं आपका जो शुरंजान सीधी वाला नुस्खा है ये मैंने आज से 2-2.5 साल पहले लिया था, तो तब से मैं आपके कॉन्टेक्ट में 3-4 साल से जो है। तो ये मेरे एक नेचुरल पेन हुई थी, मेरी 71 की ईयर की मेरी एज है, और ये मेरे घुटने में पेन हुई थी। तो वो नुस्खा मैंने अजमाया, वो मेरा यानी 500 ग्राम का जो नुस्खा बना था उसके होते होते वो बिल्कुल ठीक हो गया था। ठीक है। और प्लस जो था मेरी एक 50 साल पहले वेट लिफ्टिंग करते हुए गोडा चटका था, तो वो मेरी लगातार 50 साल से पेन थी, बल्कि वो भी 70-80% उसको भी आराम आ गया, जबकि मैंने सोचा था कि शायद एक्सीडेंटल शायद इससे ना ठीक हो, लेकिन उस पर भी उस नुस्खे ने काम किया जी, बहुत अच्छा। ठीक है। अच्छा देखिए आपकी बात पूरी हो गई। आपसे पहले आप सुन रहे होंगे एक साहब का फोन आया, वो भी 72 ईयर्स के थे आपकी तरह, आप 71 के हैं। अच्छा देखिए, मेरा काम जो है वो सिर्फ इतना है कि आपको ईमानदारी से कोई मशवरा दे देना। अब आपका और भगवान का मामला रह जाता है। अगर मैंने अपना काम ईमानदारी से कर दिया, अब आपका नसीब और भगवान का हुक्म, ये बात हमेशा याद रखिए। मैं बहुत दवा बेचने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ घरेलू नुस्खे देने की कोशिश करता। आपको फ़ायदा हुआ तो बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का करिए, और हो सके तो मेरे लिए भी दुआ करिए। अगर फ़ायदा नहीं हो तो मैं ज़िम्मेदार नहीं, क्योंकि ये दवाएं ऊपर वाले के हुक्म से काम करती हैं। जैसे उनको फ़ायदा नहीं हुआ या कम हुआ, आपको पूरा फ़ायदा हो गया। जिन लोगों को नुस्खे से फ़ायदा ना हो तो उन्हें अपने रब को मनाना चाहिए, अपने भगवान को मनाना चाहिए, उससे मदद मांगनी चाहिए। और मैं नुस्खे बदल बदल के बताता हूँ ताकि लोग उसके समझ लें कि नुस्खे में भी फ़र्क होता है। यही सुरंजान शीरी वाले नुस्खे में अगर वो साहब या आपको फ़ायदा ना हो तो गौंस्याह मिला लें, तो ये उससे 50 गुना तेज़ी से काम करता है। लेकिन क्वांटिटी वही 1-1 ग्राम दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छे लोगों के आज कॉल आ रहे हैं, और मुझे पिछले प्रोग्राम में शिकायत थी सब 50 साल के आ रहे हैं, अब शायद 70-72 से शुरू हुए हैं। ये लोग तजर्बेकार होते हैं, अच्छी बात करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी भी अगर अच्छे लोगों से बात हो जी। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ बीना जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रही है? मैं मेरठ से बात कर रही हूँ। चलिए सवाल करिए अपना। जी नमस्कार। आदर। मेरे जो मैडम घुटनों में दर्द रहता है। घुटनों में दर्द है? हाँ, रात को करंट चलता है, और मेरा पेट भी साफ नहीं दिखता। ठीक है। और मुझे रात को नींद नहीं आती, नींद की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी याददाश्त भी बहुत कम होती है। ठीक है, और कुछ बताना चाहती हैं? एज चाहे तो बता दीजिए हमें अपनी। एज मेरी 57 साल है। ठीक है। अच्छा देखिए, घुटनों का दर्द किसी को हो या कहीं भी दर्द हो, चाहे दाढ़ में दर्द हो चाहे कहीं भी दर्द हो, तो वो कहाँ सोने देता है? जो इसके लिए इलाज भी ज़रूर किया होगा आपने, और अभी आप जिसे टेलीविज़न देख रहे थे, तो इसमें मैं नुस्खे जात बताता हूँ, उससे ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो जाता है जो संयम वाले होते हैं। और गौंदस्याह अगर आप आधा आधा ग्राम खाएं रोज़ाना, काला गोंद आता है एक असली लेना, नकली बहुत मिलता है, तो ये 100-200 ग्राम ख़रीदने पर अगर आप
ख़त्म कर लें इसे, तो ये अपने ख़त्म होने से पहले बीमारी को ख़त्म करने में काफ़ी है। और जिनके पेट में प्रॉब्लम है वो ले सकते हैं। देखिए नमक कलौंजी आता है, नमक कलौंजी, तो नमक कलौंजी ले लें। ये एस्टेक होता है, ये एस्टेक होता है कलौंजी का रसायन भी कह सकते हैं इसे। ये आधा ग्राम पानी मिलाकर पी लिया करें, एक बार या दो बार दिन में, आपका पेट भी और नींद भी खूब अच्छी आया करेगी, ऐसा मेरा तजर्बा है जी।